फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, आज हम ना सेवैयाँ बनाते हैं। जो पत्ती वाली सेवैयाँ आती हैं, ये मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा। तो देखिए, हमने ये जो पतली वाली सेवैयाँ आती है वो लिया हुआ है। ये ना पहले से ही रोस्ट किया हुआ होता है, बट इसे हम थोड़ा सा घी डालकर, थोड़ा सा घी डालेंगे, भून लेंगे। पहले तो इसे हम अच्छे तरीके से ओपन कर लेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से। और ये वाली सेवैया ना, जो मतलब मोटी वाली होती है ना, उसके कंपेयर में ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो देखिए, हमने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में हमने थोड़ा सा बस घी डाला हुआ है, क्योंकि पहले से ही रोस्ट किया हुआ था। बस थोड़ा सा डाल के, थोड़ा सा बस हल्का सा गर्म करना होता है। कई लोग ऐसे ही डायरेक्ट इसे दूध को बॉयल करते हैं, फिर उसमें डाल देते हैं, बट हम ऐसे नहीं बनाते। हम थोड़े से घी में इसे पहले थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। आज की वीडियो में थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, चलो कोई नहीं, थोड़ा सा इसे रोस्ट करेंगे। देखिए, अगर आप ना डायरेक्ट इसे दूध में डालकर अच्छे से बॉयल कर लेते हैं, तो एक बार इस तरीके से करके देखिएगा। थोड़े से घी में रोस्ट कर लीजिएगा, और गैस के फ्लेम को हमें स्लो रखने, क्योंकि ना बहुत ही जल्दी जल जाता है ये। बहुत ही मतलब बारीक और बहुत ही पतला रहता है इसे भैया। तो हमने यहाँ पे 1 kg के करीब दूध अच्छे से बॉयल कर लिया। ये ना मतलब फुल फैट मिल्क है, जो कि सेवैया में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए, अब हम इसमें दूध को डाल देंगे, इसे अच्छे से 2 से 3 उबाल आने तक पकाएंगे। यहाँ पे मेरे को थोड़ी दूध की क्वांटिटी कम लग रहा था, फिर मैंने यहाँ पे और थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया। अब देखिए, इसे एक ही डायरेक्शन में ऐसे मिक्स करते रहने, जिससे कि बहुत ही अच्छे तरीके से खिली खिली सेवैयाँ बनती हैं। अब यहाँ पे हम अपने टेस्ट के हिसाब से शक्कर ऐड करेंगे। अब जैसे कई लोग कम मीठा खाते हैं, कई ज़्यादा खाते हैं, इस हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे शक्कर ऐड कर लेना। हमने यहाँ पे मतलब करीबन 4 से 5 चम्मच शक्कर डाला हुआ है, बड़ा वाला चम्मच से अगर आप देखते हैं तो। और फ्रेंड्स, हम जब भी ना सेवैयों में अगर शक्कर वगैरह डालते हैं, तो गैस की फ्लेम को ऑफ करके डालना चाहिए, क्योंकि ना दूध का फटने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहता है। फिर मेरे को अगेन इसमें थोड़ा सा दूध की क्वांटिटी कम लगा, फिर मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाला। और आपने अपने हिसाब से, आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो उसे डाल देना। मैंने यहाँ पर सिर्फ काजू की, मैंने यहाँ पर सिर्फ किशमिश डाला हुआ है। तो देखिए, हमारा बहुत ही टेस्टी ये सेवैया बनके तैयार है। तो वीडियो पसंद तो मेक श्योर लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।